हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन EBS क्लास। ऑन दिस क्लास वी विल लर्न द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वाटर। सो वाटर का हम लोगों ने दो फॉर्म पढ़ चुके थे, दैट इज सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर। सो आज और एक पार्ट और एक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे वाटर का, दैट इज द गैसियस पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। When you heat water, it boils and changes into water vapor. Water vapor is the gaseous form of water. The water vapor rising from the mugs gets cooled when it comes near the bowl of ice. When water vapor cools, it changes into water. This is how drops of water form outside the bowl of ice. सो जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, देखो हम लोग जब आइस को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है। जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। जब वाटर को तुम लोग हीट करते हो, जब वाटर को हम लोग क्या करते हैं, गैस में या फिर चूल्हा में बिठा के बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो क्या उसके ऊपर से धुआं जैसा निकलता है। सो उसके वो धुआं को अगर छूओगी तो हाथ को गीला गीला लगेगा। गीला गीला क्यों लग रहा है, क्योंकि उस धुआं में क्या होता है, वाटर प्रेजेंस होता है। सो वो धुआं क्या होता है, वाटर वेपर्स होता है। जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, वाटर वेपर। व्हेन वी हीट वाटर, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर जो क्या होता है, वो वाटर का गैसियस फॉर्म होता है। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। सो द वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम द मग गेट कूल्ड व्हेन इट कम नियर द बाउल ऑफ आइस। जब हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर वेपर जो निकलता होता है, उस वाटर वेपर को हम लोग ऊपर में एक प्लेट रख देंगे उस प्लेट में वो वेपर जाके लग जाएगा। उस वेपर को ला के हम लोग ठंडा करेंगे या फिर फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, फिर आइस बनेगा। सो इससे क्या पता चलता है, व्हेन वाटर वेपर कूल इट चेंजेस इनटू वाटर। जब आइस को हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर को जब कूल करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर को जब कूल करते हैं तो क्या बनता है, आइस बनता है। सो ये क्या साइक्लिक फॉर्म में होता है। कौन कौन सा फॉर्म, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म होता है। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर, एंड द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर। यू हैव सीन हाउ वन फॉर्म द वाटर चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म। देखो आइस जो है, यह है आइस। आइस किस में चेंज हो रहा है, वाटर। और वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर। कब चेंज हो रहा है, व्हेन आइस हीटेड। आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर होता है। वाटर को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। वाटर वेपर को जब कूल करते हैं तो वाटर बनता है। वाटर को जब कूल करते हैं तो आइस बन जाता है। सो ये क्या है, ऐसे होता ही रहता है। वाटर का तीन फॉर्म है ये, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में क्या क्या आता है। ठीक है, सो एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज़ अ सॉलिड और लिक्विड और गैसेस। तो हम लोग जो अपने हमारे चारों ओर में जो भी चीज़ देख रहे हैं, आइदर वो सॉलिड में होगा या फिर लिक्विड में और गैसेस में, ये तीनों फॉर्म में ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो दिस बुक, योर पेंसिल एंड द चेयर यू आर सीटिंग ऑन आर सॉलिड्स। हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं, जो पेंसिल है, जहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं, जो चेयर में, सारे चीज़ क्या में है, सॉलिड में है। रबर, कटर, पेंसिल, ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड क्या है, वाटर, मिल्क, ऑयल आर लिक्विड। वाटर, मिल्क, ऑयल, जो भी चीज़ें वो सब क्या है, लिक्विड में आता है। वाटर वेपर इज़ द गैसेस एंड सो इन द इज़ द एयर अराउंड यू। और गैसेस में क्या आता है, जो वाटर वेपर है, जो हम लोग ब्रेथिंग करने के टाइम हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं, वो एयर भी गैसेस फॉर्म में है। ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसेस है। सो तीनों, दीज आर द थ्री फॉर्म्स। सो देखो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखते हैं। पहले सॉलिड हैव ए शेप
ऑफ देयर ओन। सॉलिड का क्या होता है, उनका खुद का एक शेप होता है। जैसे कि जो पेंसिल है, इसका शेप क्या है, इसका एक शेप है कि नहीं, ये पेंसिल का शेप है। जो बुक है, बुक का शेप क्या है, स्क्वायर जैसे है एक शेप। तुम्हारा जो बॉल है, राउंड शेप का होता है। सो इस सारे सॉलिड का क्या होता है, खुद का शेप होता है अपना। लिक्विड डू नॉट हैव शेप, लेकिन कोई भी लिक्विड का क्या नहीं होता है, शेप नहीं होता है। देखो हम लोग क्या रखते हैं, ग्लास में वाटर रखते हैं, तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, वाटर किसके तरह दिखता है, ग्लास की तरह दिखता है। वाटर हम लोगों को, हम मैं बोलूँगी कि वाटर का शेप है ग्लास की तरह, लेकिन मैं वो उसी वाटर को ही अगर एक बाउल में डाल दूँगी तो वो वाटर का शेप क्या हो जाता है, बाउल के जैसा उसका शेप हो जाता है। देखो जहाँ पर रखोगे वाटर, उसी का शेप लेके आ जाता है। तो वाटर का एक फिक्स शेप नहीं होता है सॉलिड का, लेकिन जहाँ पर भी रखो उसी शेप में ही रहेगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन वाटर का, वाटर लिक्विड डू नॉट हैव ए शेप, कोई भी लिक्विड का शेप एक फिक्स शेप नहीं होता है। द टेक ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन, जो कंटेनर में रहेंगे उसी कंटेनर का शेप वो लोग ले जाएंगे, ठीक है। सो अब बताए गैसेस के बारे में। द वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम द मग डिड नॉट हैव एनी शेप, व्हेन यू फील एयर इन ए बैलून, एयर टेक ऑन द शेप ऑफ द बैलून, इट डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन लाइक लिक्विड्स, गैसेस डू नॉट हैव शेप। देखो सॉलिड का शेप है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं है, गैसेस का भी कोई शेप नहीं है। गैसेस कौन सा शेप का है, किसी भी शेप का है क्या, नहीं। बैलून में हम लोग जब हवा भरते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, लेकिन हवा का कोई शेप दिख रहा है क्या हम लोगों को, बैलून का शेप हो रहा है, हवा अंदर जाके बैलून का शेप हो रहा है, लेकिन गैसेस का कोई भी शेप नहीं होता है। एयर मेक्स ऑन द शेप ऑफ द बैलून। सो हियर विच टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।